सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल मिस्टर किरण व्लॉग्स। आई होप गाइज आप सब ठीक हो गए, मस्त हो, एकदम बढ़िया हो गए। सो गाइज आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो थोड़ा सा लेट हो रहा है बट कुछ नहीं, आज हम लोग ब्लॉग बना रहे तो मैंने सोचा चलो आपको भी जो है नए साल की जो है शुभकामनाएं दे दूँ। तो अभी हम लोग जो हमारे नए साल की शुरुआत जो है हम लोग कर रहे हैं श्री महालक्ष्मी माता के दर्शन से। तो आज मैं, मेरा दोस्त सोहन और तनिष, तेजस और हर्ष, हम चारों पांचों जन जा रहे थे माता के दर्शन के लिए। तो नए साल की शुरुआत जो हम लोग कर रहे हैं श्री माता लक्ष्मी के, महालक्ष्मी के दर्शन से। तो आज तो चलो चलते हैं और माता के दर्शन लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे यहाँ से ब्लॉग। तो अभी यहाँ पर स्टेशन पे हम लोग आ गए टिकट निकालने के लिए और हमारे जो सोहन भाई है वो निकालने वाले हैं टिकट। चलो निकाल लो सीधा महालक्ष्मी। क्या हुआ, कंफ्यूज? यूजिंग मैप ना। अरे डायरेक्ट वाला करना, आप निकाल लो, आप निकाल लो। अरे हमको टाइम दे रहे हैं। चलो निकाल लो भैया आप पहला। अरे जर्नी डिटेल्स चेंज करो। रुक। अरे चार्ज गेट ही चाहिए। किसको? मेरे को। हैंग हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग ने टिकट निकाल लिए रिटर्न दूसरे वाली। अरे रिटर्न चार्ज गेट ही है ना। हाँ। क्या चिल्ला रहा है ऐसा, हो गया ना रिटर्न है। तो गाइस अभी हम लोग ने टिकट तो निकाल दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं महालक्ष्मी। तो सोचे कि इस साल की शुरुआत जो हम लोग की 2023 की वो हम लोग कर रहे हैं श्री महालक्ष्मी के दर्शन से। तो यहाँ पर सोहन है और बाकी के दो तीन दोस्त लोग और चलो भी जाते हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं और देखते हैं अभी कितने बजे पहुँचते हैं हम लोग। तो अभी ट्रेन तो आ चुकी है तो पकड़ते हैं ट्रेन और निकलते हैं श्री महालक्ष्मी के दर्शन के लिए। तो गाइस अभी हम लोग हैं ट्रेन में और अभी हम लोग उतरेंगे कुर्ला और फिर कुर्ला से जाएंगे सीधा महालक्ष्मी स्टेशन। इसके जो देखिए बोलो किधर है, इधर भी। तो अभी हम लोग चर्च गेट महालक्ष्मी उतरेंगे और वहां से सीधा जाएंगे दर्शन के लिए। बाकी अभी तक तो एकदम फन करते करते जा रहे हैं, मजाक मस्ती। तो ये है कुर्ला और कुर्ला की भीड़। तो गाइस तो हम लोग कुर्ला स्टेशन आ चुके हैं और अभी यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे दादर वाली ट्रेन और फिर उसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे महालक्ष्मी। तो यहाँ पर बैठ गए अभी ये तीनों लोग। तो मजा आवत है, बहुत ही फन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है फन? हो रहा है या नहीं हो रहा है फन? हो रहा है, फन हो रहा है या नहीं हो रहा है फन? हो रहा है या नहीं हो रहा है? चुप रहे। ये एक ही बंदा ऐसा है। सो गाइस अभी हम लोग महालक्ष्मी स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और अभी हम लोग चल के जा रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर। तो चलो चलते हैं, एकदम मस्त रहा, ट्रेन में आ गए, एकदम भीड़ थी बट कुछ नहीं, फाइनली मजा आ गया। चलो अभी महालक्ष्मी तो पहुंच चुके हैं, अभी जाते सीधे टेंपल की तरफ। तो यहाँ पर देखिए सोहन पीछे जो है आप में देख रहा है रास्ता और बाकी यहाँ पर ये दोनों जन जो है हर्ष और तेजस मस्ती कर रहे हैं। तनिष और तेजस इधर है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है दोनों भाइयों में। कितने साल से फ्रेंड है? देखो रुक जा। ये देखिए इसका फेस देखो, इसका फेस दोनों का लगभग सेम ही है, इसके जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। कितना दूर बन रहा है? एमसी स्टैंड बन रहा। तो चलो चलते हैं, इसको दिख गया रास्ता मैप में, अभी चलते हैं सीधा डायरेक्ट महालक्ष्मी मंदिर और दर्शन करते हैं माता के। बाकी यहाँ पर अभी फुल मस्ती मजाक चालू है। Like
सो गाइस, तो यहाँ पर देखिए, ये अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं जो महालक्ष्मी का रेस कोर्स का जो मैदान है घोड़ों का रेस कोर्स का, तो वहाँ तक अभी हम लोग आ गए हैं और अभी बस 5 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे महालक्ष्मी। Once upon a midnight clearing. So guys, तो देखिए हम लोग फाइनल पहुंच गए हैं महालक्ष्मी टेम्पल। तो बस अभी यहाँ से हमें क्रॉस करके सामने जाना है। तो फाइनली 15 मिनट चलने के बाद आ गया और मेरे दोस्त लोग आगे भाग गए। तो गाइस, सिग्नल लग चुका और हम लोग चल रहे हैं, फटाफट क्रॉसिंग कर रहे हैं। सो गाइस, आ गए हम लोग मंदिर के तरफ। सो गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर में और अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर। तो फाइनली पहुंच चुके हैं और ये है महादेव मंदिर। चलो अंदर चलते हैं गाइस। तो आजू बाजू में सब शॉप्स प्रसाद के और इस तरह से अचार। तो अंदर नहीं जाएगा, किधर से कौन चिल्ला रहा है? तेरे लिए एक ही काम है। धन्यवाद। तो यहाँ पर ये तिलक लगा दिए, एकदम बढ़िया वाला मस्त लग रहा है। जाओ तिलक लगाओ। तो एकदम मस्त वाला टिक्का लगा दिए पंडित जी ने एकदम अच्छी तरीके से। तो अभी चलते हैं मंदिर में अंदर। ये क्या है? आश्रम है ये, साधु जिला आश्रम। तो ये जो बाकी जो टेम्पल्स है ये हम लोग आने के टाइम पैर पड़ेंगे। ये कौन सा एनिशियंट टेम्पल? श्री परम रामेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पर भी जाएंगे आने के वक्त। सोन ब्रो, आने के वक्त जाएंगे, पहले महालक्ष्मी माता का दर्शन कर लेते हैं। सो गाइस, रास्ते में जितने भी टेम्पल लग रहे हैं उसके हम लोग बाद में दर्शन करेंगे। सबसे पहले महालक्ष्मी के दर्शन करके आते हैं माता के, उसके बाद जो भी रास्ते में हम लोग को टेम्पल्स लग रहे हैं उन सभी के दर्शन करेंगे, बट जाने के टाइम एग्जिट के वक्त। बाकी गाइस, भीड़ तो है, देखिए लोग अपनी साल की शुरुआत जो है माता रानी के आशीर्वाद से करना चाहते हैं। जैसे हम लोग आए उसी तरीके से सब भक्तजन आए। सो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं महालक्ष्मी मंदिर, देखिए सामने ही है। तो चलो चलते हैं सीधा दर्शन करने के लिए। सो गाइस, हम लोग जो है मंदिर के तरफ जो है पहुंच चुके हैं और अभी जाते हैं दर्शन के लिए। तो चलो चलते हो सीधा दर्शन करते हैं माता रानी के। सो गाइस, यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर अभी हम लोग आ गए चप्पल वगैरह निकालने। तो हमारे जो शूज है यहाँ पर ही उतार के रखेंगे अभी हम लोग और फिर ऊपर जाएंगे जहाँ दर्शन को। हाँ, तो ये क्या, ये सब लाइन ही है। तो यहाँ से देखिए गाइस, लाइन जो है वो चालू हो चुकी है। सो गाइस, अभी हम लोग ने यहाँ पर हमारे सब शूज वगैरह निकाल के रख दिए और अभी सीधा जाते ऊपर। तो यहाँ पर लाइन देखिए, अरे ये साइड है जेंट्स, ये साइड है। हाँ, तो चलो सीधा जाते हैं दर्शन को। सो गाइस, लाइन देखिए महालक्ष्मी मंदिर में, साल का दूसरा ही दिन है और इतनी भीड़, लोग यहाँ से दर्शन करके रिटर्न आते हो गए। तो जो लेफ्ट साइड में वो लेडीज लोग की लाइन है और ये साइड में जेंट्स। तो जेंट्स लोग की लाइन तो रुक गई है, लगता है कि बहुत भीड़ है, बाकी लोग की लाइन चलते जा रही है।
और राइट साइड से जो दर्शन करके आ गए वो लोग की लाइन, रिटर्न आ गए वो लोग। तो है भीड़ तो है, साल का दूसरा दिन है और भीड़ तो रहेगी। सो गाइज, हम लोग जो है माता रानी के दरबार में भीड़ में खड़े थे लाइन में, उतने में तनिष तेजस के पापा का कॉल आता है और वो उनके दोस्त से हमें सीधा कांटेक्ट कराते हैं और इतने भीड़ में से हम सीधा निकलते हैं और एक वीआईपी एंट्री की तरह हम लोग डायरेक्ट दर्शन में जाते हैं। तो एकदम मस्त लग रहा था जब हम डायरेक्ट दर्शन के लिए अंदर चले गए माता रानी के दरबार में एकदम सामने, और बस 2 मिनट में दर्शन हो गए। और आप लोग भी अभी दर्शन ले लो। तो देखिए भीड़ इतनी सारी थी बट हम लोग जो एकदम फ्रंट से चले गए अंदर और फटाक से 2 मिनट में दर्शन लिए और रिटर्न बाहर आ गए। तो एकदम मस्त लग रहा था। तो चलो आप लोग भी गाइस दर्शन कर लो, जितना भी आपको मिल रहा है आप भी सब मांग सकते हो माता रानी से। चलो तो यहाँ पर गणेश जी के दर्शन करते हैं। मौर्या मौर्या, गणेश जी सब पे कृपा बनाए रखे। तो चलो चलते हैं, जाते हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए। ओके ब्रो, स्नैप ले रहा है ये गणेश जी के। तो ये गणेश जी के दर्शन हो गए, बाजू में ये हनुमान जी, उनके भी दर्शन करते हैं। हो भाई साहब, बहुत ही बड़ी बजरंग बली की स्वयंभू मूर्ति है। जय बजरंग बली, जय श्री राम। हे भगवान, सब पे कृपा बनाए रखे। और हनुमान जी के मंदिर में शिवलिंग, शिव भगवान है यहाँ पर, और साथ में है यहाँ पर शनिदेव और पार्वती माता। ओम नमः शिवाय। सो गाइस, यहाँ पर देखिए हनुमान मंदिर के बाहर इतनी अच्छी जगह है कि लोग यहाँ पर सब लोग फोटोशूट कर रहे हैं। एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो आप लोग आते हो तो यहाँ पर जरूर आइएगा, मस्त हवा चल रही है यहाँ पर। और सो गाइस, अभी हम लोग एग्जिट करते हुए और अभी जो बाकी टेंपल जो आने के टाइम बाकी रह गए थे उनके दर्शन करने जाते हैं। तो चलो अभी यहाँ से नीचे उतरते हम लोग। तो दोस्तों, आप लोग को मंदिर के बाहर ही जो है माता के लिए प्रसाद, स्वीट्स और चुनरी हार सब मिल जाएगा। तो आप लोग को मतलब यहाँ पर आते हो तो आपको पूरे लाइन से आपको मिठाई और हार वगैरह मिल जाएगा, और ऊपर भी आप जाते हो तो आपको ऊपर भी हार चुनरी सब मिल जाता है। तो अगर आप लोग नीचे नहीं लेते हो तो आपको ऊपर अवेलेबल है, तो आप लोग ऊपर से भी चुनरी, हार, फूल, नारियल ले सकते हो। तो आपको आजू बाजू में सब देखिए वही दुकान मिलेगी जहाँ पर आपको स्वीट्स और चुनरी हार मिलेगा। और सो गाइस, अभी हम लोग देखिए मंदिर के बाहर आ गए और यहाँ पर आ गए हम लोग वड़ा पाव खाने। तो भूख लगे तो सोचो चलो कुछ वड़ा पाव वगैरह खाते हैं। यस ब्रो, तो गाइस यहाँ पर है एकदम बढ़िया गर्मा गर्म वड़ा पाव। तो टेस्ट कैसा है ब्रो? चलो हम ही खा के बताते हैं। गर्म है? गर्म है क्या? ठंडा है? गर्म है ब्रो, गर्म है ब्रो। वड़ा पाव देख, स्मेल देख। तो गाइस वड़ा पाव एकदम गर्मा गर्म और एकदम मस्त है। भूख इतनी लग रही है ना, शाम के 5 बजे और घर तक खाना खा के नहीं आए। चलो वड़ा पाव, तो वड़ा पाव खाते और सीधा निकलते हैं घर के लिए। क्या ये? कहाँ जा? सादा आ रहा ना अपना। आराम, चलो वो भी निकाल देने। यस ब्रो। सो गाइस, अभी हम लोग देखिए वड़ा पाव खाने के बाद आ गए कैरी खाने के लिए, और ये लोगों ने ले लिया है पूरा कलरफुल वाला कैरी और हमने लिया है प्लेन सादा। ए भाई, इसमें नमक क्या खाओ क्या नहीं खाओ बोल पहले। इसका ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट का लफड़ा है। अरे क्या हर्ष, भाग मत, तेरे पास ही कैश है, जल्दी आ। आजा, कैश है, आजा, डर मत। मैं क्यों दूं? मैं तेरे को खींच के थोड़ी लाया। Yeah.
सो गाइस, तो चलो अभी ये लास्ट मंदिर है श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, तो इसमें भी दर्शन करते हैं और फिर सीधा जाते हैं घर के लिए निकलते हैं। ब्लॉग में चलो ना, जाके आते ना, देख के नीचे से देख के आते ना। बीच का